जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्यामलाल चौधरी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल श्यामलाल चौधरी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर कर लें ताकि जब भी हम लाइव आएँ या जब भी हम नया वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कराने जा रहा हूँ जो कि पर्यावरण से संबंधित है। और यह टॉपिक जो है पर्यावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पर्यावरण से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन या सम्मेलन है उनसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो UPSC हो, MPPSC हो, चाहे अन्य स्टेट सर्विस की एग्जाम हो या अन्य आप कोई सी भी एग्जाम ले लें, जो है वनडे एग्जाम ले लें, कोई सी भी एग्जाम में आप देखें कि जो पर्यावरण से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन या सम्मेलन है उनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। और मैंने आपके लिए लगभग 1 से 2 घंटा लगाया मेरे को यहाँ पर लिखने में, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर लिखा है। तो आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा कि कोई जो महत्वपूर्ण संगठन कौन सा है, उसकी स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी मैंने यहाँ पर एक ही पूरे वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो जो पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे संगठन हैं, पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे संगठन हैं, लगभग 40-50 और इससे ज़्यादा भी होंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण संगठन हैं जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुश्किल से 8-10 ही हैं, और मैंने यहाँ सभी लिख दिए आपके लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे संगठन जो है, ये मैंने क्या करा है, मैंने देखेंगे यहाँ पर मैंने क्रमांक लिख रखा है, फिर यहाँ पर संगठन लिख रखा है, फिर यहाँ स्थापना कब हुई, फिर यहाँ मुख्यालय और संबंधित तथ्य। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं। पहला है अपना UNEP। दोस्तों, इनके अगर इंग्लिश नाम है तो इंग्लिश नाम आप याद रखना, फिर बोल रहा हूँ जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ये ना सोचें कि हम तो हिंदी में इसका याद करेंगे, नहीं, आप इसका जो इंग्लिश नाम है ये याद रखें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार इसी नाम से पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मैं वैसे बता दूंगा आपको, लेकिन जो भी है, लेकिन आप मेन बात ये है कि आप इसका इंग्लिश नाम जरूर याद रखें, जैसे कि UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्या है UNEP? यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना कब हुई, 1972 में हुई, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। पूरा नाम क्या है UNEP, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका हिंदी में आपने नाम लिख सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, 1972 में हुई दोस्तों, याद रखना कब हुई, 1972 में हुई। और यहाँ पर इसका मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में, नैरोबी एक देश है ना, उसका मुख्यालय कहाँ पर, नैरोबी के केन्या में, नैरोबी की राजधानी आप देख सकते हैं केन्या है, तो नैरोबी के केन्या में है। और ध्यान रखना इसके बारे में जो महत्वपूर्ण है वो है UN की एक विशेष एजेंसी है। कैसे पता चलेगा आपको कि ये UN की विशेष एजेंसी है, क्योंकि यहीं पर लिख रखा है UNEP, UN यानी कि UN की एक विशेष एजेंसी है। याद रखना है दोस्तों, जो UN की जो 6 जो है जो संगठन या संस्था है 6, उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये अलग से, यानी जो पर्यावरण से संबंधित जो एजेंसी है वो क्या है, यह है UNEP। यानी कि आप देखेंगे UN की बहुत सारी एजेंसियां अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, तो यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित जो एजेंसी वो है UN की एक विशेष एजेंसी, कौन सी है, UNEP है। और IPCC, इस ये क्या होता है, ये होता है आप देखेंगे यहाँ पर IPCC जो होता है, ये होता है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि आपका जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय एक प्रकार से क्या है, एक पैनल बना हुआ है, जो कि UNEP और WMO है ना, WMO मतलब UNEP मतलब ये इससे, और एक WMO यानी कि ये वैश्विक जो मौसम वैज्ञानिक संगठन है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, ध्यान रखना। तो आप इतना ध्यान रखना कि जो IPCC है इसमें भी बनाने में UNEP का हाथ है, मतलब UNEP भी इसमें एक संगठन है, इनकी IPCC जो बना है वो UNEP और प्लस WMO दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, ध्यान रखना आप, और ध्यान रखना ग्लोबल 500 पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, वो देती है UNEP। UNEP ही दोस्तों ग्लोबल 500 पुरस्कार देती है। और आपको याद होगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, अपन 5 जून को मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाते हैं ये किसकी पहल है, ये UNEP की पहल है, समझ में आ रहा आपको, तो UNEP की पहल कौन सी है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो आपको क्या क्या बातें याद रखनी, फिर बता रहा हूँ मैं बार बार आपको, मैं इसी प्रकार से याद करवाता हूँ, याद रखें पहली बार कि अपना संगठन नाम क्या है UNEP, जिसका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये अपना एक संगठन हो गया, आप सिंपल सा UNEP याद रखना, और इसकी स्थापना जरूर याद रखना, मैं आपको बता दूंगा जो महत्वपूर्ण है उसकी स्थापना याद रखना, इसकी स्थापना याद रखना 1972 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये भी महत्वपूर्ण है, नैरोबी केन्या में हुई थी, और ये UN की एक विशेष एजेंसी है जो पर्यावरण संबंधी कामकाज देखती है। और यहाँ पर देखेंगे जो IPCC जो है, IPCC ये जो बना है इसमें UNEP प्लस WMO दोनों से मिलकर बना है, और ग्लोबल 500 पुरस्कार भी यही देती है, और 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं ये किसकी पहल है, ये भी UNEP की पहल है। तो आपको पहला वाला समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं IUCN, आपने बार बार नाम सुना होगा IUCN, आपने इसका नाम
में सुना होगा कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो वो आपने सुना होगा IUCN करता है ना। तो IUCN ध्यान रखना है दोस्तों, अक्टूबर 1948 का संगठन है। कब बना था, इसकी स्थापना कब हुई, अक्टूबर 1948। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ग्लान स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना, क्या ग्लान स्विट्जरलैंड, इसका मुख्यालय है, अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और ध्यान रखना, विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पर्यावरण नेटवर्क है। ये महत्वपूर्ण बात याद रखना है, एक तो ये विश्व का सबसे पुराना है, क्या है, विश्व का सबसे पुराना, क्योंकि देखो अक्टूबर 1948 में, बाकी आप देखेंगे सब बाद में हुए, लेकिन अक्टूबर 1948 में, यानी कि जैसे देश आजाद हुआ उसके जैसे एक साल बाद आप देखेंगे, अक्टूबर 1948 में IUCN बन गया था। इसका मुख्यालय ग्लान जो है, एक शहर है स्विट्जरलैंड में, वहां पर है। और ये विश्व का सबसे पुराना सबसे बड़ा पर्यावरण नेटवर्क है। ठीक है, अगर विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण नेटवर्क कौन सा है, तो IUCN है, और विश्व का सबसे पुराना कौन सा है, वो भी IUCN है। और ध्यान रखना, जो रेड डाटा बुक होता है, मैंने अभी इसकी चर्चा करी थी कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, IUCN करता है। रेड डाटा बुक में क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो संकट ग्रस्त जीव होते हैं उनकी सूची बना दी गई है इसमें, अलग अलग, कि ये ज्यादा संकट ग्रस्त हैं, है ना, या इससे कम संकट ग्रस्त हैं, अलग अलग प्रकार से कैटेगरी है, वो अपन जब पढ़ाए हुए तब पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप रेड डाटा बुक कौन जारी करता है इतना याद रखना, तो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, IUCN करता है। और ध्यान रखना, इसमें सरकारी व गैर सरकारी दोनों सदस्य होते हैं, यानी सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य भी होते हैं, यानी कि देश के सरकार के सदस्य और जो गैर सरकारी सदस्य है वो भी इसमें होते हैं। और ध्यान रखना, IUCN जो है ये UN का अंग नहीं है। कभी बहुत बार क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बार बार पूछ भी लेता है, जैसे UPSC जैसे एग्जाम वो दे देगा कि IUCN जो है UN का एक अंग है, तो नहीं है दोस्तों, याद रखना, इसे मैंने लिख दिया है, IUCN UN का अंग नहीं है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या हो गई, पहली बात IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर, ठीक है, अक्टूबर 1948 में स्थापना हुई, ग्लेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, विश्व का सबसे पुराना सबसे बड़ा संगठन है, और रेड डाटा बुक ये प्रकाशित करता है, इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं, और ये IUCN जो है ये UN का अंग नहीं है। इस प्रकार से आपको दोनों संगठन के बारे में समझ में आ गया होगा दोस्तों, समझ आया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तीसरा संगठन है, पहला पढ़ा अपना UNEP, फिर IUCN, फिर तीसरा है WWF, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, WWF, ये क्या है, आप देखें वर्ल्ड वाइड फंड, क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्ड वाइड फंड बोलते हैं। इसकी स्थापना 1961 में हुई, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 1961 में हुई, और मॉर्जेस ग्लान स्विट्जरलैंड में, आप स्विट्जरलैंड याद रखना, ग्लान जो है स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना, आप इसका मुख्यालय, सॉरी, तो ग्लान स्विट्जरलैंड में भी इसका भी मुख्यालय है, और IUCN का मुख्यालय भी, दोनों का मुख्यालय मतलब एक ही जगह है, ठीक है। और ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय NGO है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी गैर सरकारी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, ठीक है, समझ आ रहा आपको, WWF कोई सरकार का नहीं है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सरकार का नहीं है, ये क्या है, ये देखेंगे आप, अंतर्राष्ट्रीय NGO है, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय NGO है। और इसका जो स्लोगन है, ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों, पूछा जाता है कि WWF का स्लोगन क्या है, ध्यान रखना, फॉर ए लिविंग प्लेनेट, क्या स्लोगन है इसका, फॉर ए लिविंग प्लेनेट, ये इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। और पर्यावरण के संरक्षण और उसके शोध के लिए विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, यानी पर्यावरण से संबंधित जो भी शोध होते हैं, संगठन काम होता है, वो WWF के माध्यम से किया जाता है। और ध्यान रखना, अपने भारत में इसका WWF इंडिया है ना, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर जो इंडिया है, ये काम करता है, यानी WWF का कौन सी संस्था अपना काम करती है, तो करती है WWF इंडिया, याद रखना। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या हो गई, कि WWF जो है 1961 में इसकी स्थापना हुई, और ग्लान स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और अंतर्राष्ट्रीय NGO है, और इसका जो स्लोगन है वो है फॉर ए लिविंग प्लेनेट, और पर्यावरण के संरक्षण शोध के लिए विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और WWF इंडिया भारत में काम करती है, इससे संबंधित समझ में आ रहा है आपको। इस प्रकार से तीन आपको समझ आ गया होगा, UNEP समझ में आ गया होगा, IUCN समझ में आ गया होगा, और WWF समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तीन समझ में आ गया आपको, फिर से बता रहा हूँ, UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में, IUCN और WWF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, ठीक है, और आप समझ में आ गया होगा आपको ये तीनों बातें। अब आगे बढ़ते हैं अपन साइट्स, आपको इसको ऐसे याद रखना, साइट्स के रूप में ही याद रखना, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और एक होता है ट्रैफिक, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, एक है साइट्स और एक है ट्रैफिक, पहले साइट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है, सुनेंगे। अब ध्यान रखें, इसकी स्थापना मार्च 1973 में क्या हुआ था, वॉशिंगटन, कहाँ पर है वॉशिंगटन, USA में, ठीक है, कहाँ पर, USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, समझ में आ रहा आपको। तो वॉशिंगटन जो कि USA में है, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ एक प्रकार का क्या होता, सम्मेलन हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, इसलिए इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। कब हुआ था ये, 1973 में हुआ था, मार्च 1973 में हुआ था, लेकिन ये लागू कब हुआ, 1975 में लागू हुआ। अगर आपसे पूछ ले साइट्स जो है ये कब लागू हुआ, तो ये 1975 में लागू हुआ, लेकिन ये जब ये सम्मेलन हुआ था, ये कन्वेंशन जो हुआ, ये कब हुआ, मार्च 1973 में हुआ, कहाँ पर हुआ,
तो अमेरिका की जो राजधानी वॉशिंगटन है वहां पर हुआ था, ध्यान रखेंगे। और देखो सरकारों के बीच, याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है, सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, विश्व की जितनी भी सरकारें हैं, विश्व की जितनी भी सरकारें हैं उन सरकारों के बीच ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है दोस्तों, जिसमें जंगली जानवरों एवं पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व एवं उत्तरदायित्व को खतरा ना हो इसके लिए काम करते हैं। यानी कि सिंपल सा है दोस्तों, मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं, यानी कि विश्व स्तर पर जितने भी पेड़ पौधे या जीव जंतु हों उनके अगर विश्व स्तर पर हम व्यापार करते हैं एक दूसरे से, दूसरे देश में जब व्यापार करते हैं तो व्यापार करने से उनके जो है ऐसा ना हो कि उनके अस्तित्व या उनकी उत्तरजीविता को खतरा हो जाए, यानी कि वो नष्ट हो जाए, उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का काम कौन करता है, कौन साइड्स आपको। और इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा हुआ था 1973 में, ये वॉशिंगटन यूएसए में ही हुआ था, और भारत जो है उससे 1976 में शामिल हो गया था इस कन्वेंशन में, भारत जो है 1976 में साइट्स में शामिल हो गया था। समझ में आ गया आपको क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई मैंने आपको, बताया कि मार्च 1973 में, सुन लेंगे बात साइट्स के बारे में, महत्वपूर्ण बात सुन लेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या हुआ था कि मार्च 1973 में अमेरिका के वॉशिंगटन में क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था जिसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं या वॉशिंगटन सम्मेलन भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वॉशिंगटन में हुआ था, समझ में आपको। और ये लागू कब हुआ, 73 में हुआ था सम्मेलन, लेकिन लागू हुआ 1975 से, समझ में आ रहा आपको। और ध्यान रखना है किससे संबंधित है, जो ये संबंधित है जंगली जानवरों एवं पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कहीं भी उनके उत्तरजीविता या अस्तित्व को खतरा नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन जीव जंतुओं को हम एक दूसरे से दूसरे देश में व्यापार कर रहे हैं तो उनको व्यापार करने से उनका जो अस्तित्व है यानी कि वो जो जीवित है उनको खतरा ही हो जाए या लुप्त ही हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा आपको। यानी कि जो जीव जंतु हैं जिनका एक देश से दूसरे देश में हम व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के कारण कहीं ऐसा ना हो कि उनका क्या हो जाए, वो नष्ट हो जाए या विलुप्त हो जाए, इस प्रकार से काम धाम देखता है कौन, साइड से देखता है, ठीक है। और इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं, और भारत जो है इसमें 1976 में शामिल हो गया था। अब इससे साइट से ही जुड़ा हुआ थोड़ा और ध्यान रखना, इसका कोई प्रमुख रूप से कोई मुख्यालय आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उस समय वॉशिंगटन यूएसए में इसका सम्मेलन हुआ था और ये बार बार चेंज होता रहता है, यानी कि 2009 में देखेंगे इसका जो सचिवालय स्तर की जो बैठक है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी, यानी कि अलग अलग इसका कोई मुख्य अपन सचिवालय नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये है कि इसकी बैठक अलग अलग स्थान पर होती रहती है, जैसे यहाँ पर जिनेवा स्विट्जरलैंड में 2019 की बैठक हुई थी इसकी, किसकी, साइट्स की, याद रखेंगे। इसमें भारत भी पार्टिसिपेट था, क्योंकि भारत भी इसमें 1976 से शामिल हो गया है। तो जो महत्वपूर्ण बातें मैं लास्ट में बता दूंगा इसके बारे में क्या क्या है, तो साइट्स में ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जो सूचियां जारी करते हैं साइट्स की सूचियां होती है, परिशिष्ट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसमें ऐसा होता है जो फर्स्ट में होते हैं ना, जो फर्स्ट के अंतर्गत जो जीव जंतु आते हैं वो कहीं ना कहीं इनके व्यापार करने से ज्यादा खतरा है या फिर वो विलुप्त हो सकते हैं, तो इसलिए वो इसमें आते हैं। और फिर सेकेंड में वो आते हैं जो उनको अभी तो खतरा नहीं है लेकिन हो सकता है इनका अगर व्यापार ज्यादा किया गया तो भविष्य में खतरा हो सकता है। और तीसरी सूची के अंतर्गत वे जीव जंतु आते हैं जो क्या होता है, कोई भी एक देश जिनको संरक्षित कर रहा है और वो चाहता है कि दूसरा देश भी इसको संरक्षित करने का प्रयास करे, इस प्रकार से इसकी तीन होती है, परिशिष्ट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसलिए आपने बार बार देखा होगा जैसे गंगा नदी डॉल्फिन जो है परिशिष्ट फर्स्ट में आती है, समझ आ रहा है, यानी अगर इसका व्यापार ज्यादा किया जाता है तो कहीं कहीं वो लुप्त भी हो सकती है, समझ में आ रहा आपको। तो ये बताता है यानी कि साइट से जो है इसमें जो तीन अनुसूचियां हैं या तीन सूचियां हैं इनको बोलते हैं साइट से किसी परिशिष्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड या शेड्यूल फर्स्ट सेकंड थर्ड भी बोलते हैं, इंग्लिश में शेड्यूल फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर परिशिष्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं। समझा गया, फर्स्ट में वे आते हैं, फर्स्ट में वे जीव जंतु आते हैं जिनके व्यापार करने से वे विलुप्त तो हो सकते हैं या विलुप्त तो होने का खतरा ज्यादा है, और सेकंड में वे आते हैं जिनके विलुप्त तो होने का खतरा अभी तो नहीं है लेकिन हो सकता है आने वाले समय में उसको खतरा हो सकता है, और थर्ड में कोई देश जब संरक्षित करता है तो थर्ड में आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से साइट्स के बारे में आपने समझ गए होंगे। अगला है ट्रैफिक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ट्रैफिक आपको ट्रैफिक से थोड़ा बहुत याद रखना, जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है ऐसे। तो ट्रैफिक क्या होता है, वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क, यानी कि वन्य जीवों का जो व्यापार होता है उस पर निगरानी करता है कौन, ट्रैफिक। समझ में आ रहा आपको, वन्य जीवों का जो व्यापार होता है उस पर निगरानी करने का काम कौन करता है, ट्रैफिक करता है। और ध्यान रखना 1975 में जब आप देखेंगे 1975 में कौन लागू हुआ, साइट से लागू हुआ, और इसके एक साल बाद ही 1976 में ये आ गया कौन सा, ट्रैफिक। और दोनों एक दूसरे संबंधित, ये भी क्या करता है, लगभग वही जो जीव जंतु होते हैं उनका जो व्यापार करते हैं उस पर अगर उनको दिक्कत है तो उनको प्रतिबंध लगाने का काम करता है। तो ये है ट्रैफिक, जिनकी देखो ये 1975 में लागू हुआ और ये 1976 में, इनके एक साल बाद, याद रख सकते हैं। और यहाँ पर इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में है कैम्ब्रिज, याद रखना। और यह IUCN और WWF का संयुक्त संगठन है, याद रखना किसका, IUCN और WWF, अपन IUCN को भी पढ़ चुके हैं और WWF को भी पढ़ चुके हैं, देखो IUCN और WWF इन दोनों से संयुक्त होकर जो मिला है वो कौन सा बना है, ट्रैफिक बना है, यानी कि IUCN और WWF का संयुक्त संगठन एक प्रकार से आप देख सकते हैं ट्रैफिक। और ये साइट्स वो ट्रैफिक दोनों एक दूसरे के क्या है, सहायक है, मैंने अभी आपको बताया कि ये साइट्स और ट्रैफिक दोनों एक दूसरे के क्या है, सहायक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, सहायक है,
साइड्स और ट्रैफिक दोनों एक दूसरे के सहायक क्यों है दोस्तों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी क्या करते हैं, जो वन्य के जो जीव जंतु होते हैं उनके व्यापार पर नियंत्रण करने का काम करते हैं, और ये भी यही काम करता है, ये भी निगरानी रखता है कि कहीं ऐसा तो ना हो इस जीव का अगर ज्यादा व्यापार किया जा रहा है नष्ट तो ना हो जाए, ये विलुप्त ना हो जाए, ये दोनों ये काम ये भी देखता है, ध्यान रखेंगे। और देखो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव व्यापार निगरानी तंत्र बन गया है ट्रैफिक, यानी कि इससे भी बड़ा बन गया है अभी, दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव का निगरानी करने वाला जो तंत्र बन गया है वो कौन बन गया है? ट्रैफिक बन गया है। याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव व्यापार निगरानी तंत्र बन गया है कौन? ट्रैफिक। और यह एक अग्रणी गैर सरकारी वैश्विक नेटवर्क है, गैर सरकारी, किसी सरकार का नहीं है, गैर सरकारी है और एक वैश्विक नेटवर्क, ठीक है, एक अग्रणी गैर सरकारी वैश्विक नेटवर्क है। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आया? देखो, साइट्स ये भी अलग है और ट्रैफिक भी अलग है। इसकी स्थापना आप देखें 1975 से लागू हुआ और ये 1976 से लागू हुआ, ठीक है। इसका कोई मुख्यालय विशेष रूप से रहता नहीं है, हर बार चेंज होता रहता है। जैसे आप देखें शुरू शुरू वॉशिंगटन में हुआ था, इसलिए वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं, और 2019 में जिनेवा में इसका जो सम्मेलन हुआ था। लेकिन इसको देखें, इसका जो मुख्यालय कैम्ब्रिज यूके में है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के कहीं कहीं सहायक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है दोस्तों बेसल कन्वेंशन। क्या नाम है? बेसल कन्वेंशन। तो बेसल मतलब क्या है? बेसल क्या है दोस्तों? एक शहर है जो कि स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। आप याद रखेंगे, बेसल एक शहर है जो कि स्विट्जरलैंड में है, यानी कि स्विट्जरलैंड के शहर बेसल में जो कन्वेंशन हुआ, जो सम्मेलन हुआ, उसको नाम दे दिया बेसल कन्वेंशन। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये किस लिए हुआ था? ध्यान रखेंगे 1989 में, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लेना, 1989 में साइन हुआ था और ये प्रभावी हो गया था 1992 में, ठीक है, 1992 में ये प्रभावी हो गया था। और दोस्तों ये किससे संबंधित ये पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये जरूर महत्वपूर्ण है कि बेसल जो है कहाँ का शहर है? स्विट्जरलैंड का, याद रखना आप। लेकिन ध्यान रखना, बेसल कन्वेंशन किससे संबंधित है ये पूछा जाता है बार बार, याद रखेंगे। खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण और इन पदार्थों के निपटारे से संबंधित है। यानी सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि जो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ है, यानी कि बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो बहुत क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, तो जो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ हैं जो पर्यावरण के लिए या मानव के लिए नुकसानदायक है, उनका एक देश से दूसरे देश में क्या होता है, स्थानांतरण होता है, उसको नियंत्रण करने के लिए बनाया गया वो क्या है? बेसल कन्वेंशन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बेसल कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कि जो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके सीमा पार स्थानांतरण, यानी कि एक देश से दूसरे देश, यानी कि जैसे भारत से पाकिस्तान हुआ, भारत से चीन हुआ, तो एक देश से दूसरे देश के सीमा पार जो स्थानांतरण होता है उसके नियंत्रण करने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों कि एक देश से दूसरे देश में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ जो है भेजता रहता है। अपशिष्ट पदार्थ से मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट आप देख सकते हैं, है ना, जो ई वेस्ट है। ई वेस्ट कैसे? जैसे अमेरिका जैसा देश है जहां पर क्या होता है, जैसे मोबाइल हुआ या इलेक्ट्रॉनिक चीजें ज्यादा बनती है, और वो फिर क्या करते हैं भारत जैसे देशों में भेजते हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्या है, वहां का जो कचरा है ई वेस्ट है, वो कहीं अपने देश में भेज दे रहे हैं। आपको आप सोचो, जैसे अमेरिका में बोल रहे हैं ना, अमेरिका में जैसे बड़ी बड़ी कुछ चीजें बन रही है, या जैसे बाहर जो भी चीजें बन रही है, और अगर वो भारत में आ रही है तो एक प्रकार से वेस्ट है दोस्तों। यानी कि वो तो अच्छा वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है वो, कि जब वो वहां से यहाँ पर कुछ चीजें भेज रहे तो उनका जो ई वेस्ट खत्म हो रहा है, और अपने यहाँ पर वो एक प्रकार क्या हो रहा है, ई वेस्ट बढ़ रहा है। या आप सोचो, अगर एक मोबाइल भी अपन बाहर विदेश से यहाँ मंगवा रहे हैं, तो मोबाइल खराब होने के बाद जो है या कुछ समय पश्चात क्या होगा, वो एक प्रकार से कचरा बन जाएगा। लेकिन उन्होंने तो यहाँ पर भेज दिया, उनको तो पैसे भी मिल गए, और अपने यहाँ पर क्या हो, कचरा बनकर रह गया दोस्तों। इस प्रकार से कहीं ऐसा ना हो कि कहीं किस देश को ज्यादा नुकसान हो रहा है, ये देखने काम करता है बेसल कन्वेंशन। तो क्या होता है, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण और इन पदार्थों के निपटारे से संबंधित क्या है, बेसल कन्वेंशन आपका होता है। और ये यूएनईपी का सहभागी कार्यक्रम है, याद रखना, जो यूएनईपी है ना अपना, ये यूएनईपी इसका सहभागी कार्यक्रम है, रोटरडम कन्वेंशन। ये भी आपको समझ आ गया होगा, सिंपल सा याद रखना है दोस्तों कि रोटरडैम कन्वेंशन किससे संबंधित है। तो दिमाग में पहली बात होनी चाहिए रोटरडैम कहाँ का शहर है, ये कहाँ का है, स्विट्जरलैंड का शहर है, ठीक है। रोटरडैम कहाँ का है, स्विट्जरलैंड, सॉरी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बेसल कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, रोटरडैम नहीं, बेसल कन्वेंशन की बात कर रहा था। तो बेसल कन्वेंशन कहाँ का है, बेसल जो है स्विट्जरलैंड का शहर है, और ये जो है आपका बेसल जो है ये खतरनाक अपशिष्ट जो होते हैं उनके पदार्थों की सीमा पर स्थानांतरण के नियंत्रण से संबंधित है। अब आते हैं अपन रोटरडैम। अब जो रोटरडैम है दोस्तों, ये रोटरडैम कहाँ पर, नीदरलैंड का शहर है। मैं अभी गलती से इधर आ गया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये बेसल जो है ये स्विट्जरलैंड में, और जो रोटरडैम है ये नीदरलैंड में। दोनों बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए, पहली बात बेसल कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, और जो रोटरडैम है वो कहाँ पर है, वो नीदरलैंड में। और ध्यान रखना, ये जिस प्रकार से क्या खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पर स्थानांतरण को नियंत्रण करने के लिए संबंधित है, वहीं जो है रोटरडैम, देखो र से रोटरडैम होता है और र से रसायन होता है, तो जो खतरनाक रसायन होते हैं, जो खतरनाक रसायन होता है उनसे संबंधित। देखो, मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक रसायन को बैन करने के लिए, उनको क्या करने के लिए, खतरनाक रसायन को बैन करने के लिए ये बनाया गया है, वो क्या नाम है उसका, रोटरडैम कन्वेंशन है। समझ में आ गया आपको, रोटरडैम कन्वेंशन, सिंपल सा मतलब मैं आपको याद रखने बता दिया कि रोटरडैम र से आता है और रसायन भी किससे आते हैं, र से आते हैं। यानी कि दोस्तों ऐसे रासायनिक पदार्थ या ऐसे रसायन जो क्या करते हैं मानव को या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको क्या करना, उनको बैन करने के लिए क्या है,
वो कन्वेंशन बनाया गया, उसे बोला गया है रोटरडेम कन्वेंशन, जो कि 2004 से लागू हो गया है। तो इन दोनों में कुछ अंतर समझ आया आपको, बेसल कन्वेंशन और रोटरडेम कन्वेंशन में? बेसल कन्वेंशन जो है दोस्तों वो क्या है, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो उनके नियंत्रण से संबंधित है या उनके निस्तारण से संबंधित है। तो वही जो आपका रोटरडेम कन्वेंशन ये क्या है, कुछ ऐसे खतरनाक क्या है रसायन हैं जो क्या करते हैं मानव या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको जो है इसके अंतर्गत रखा गया है, तो रोटरडेम कन्वेंशन के अंदर बैन किए जाते हैं। और यहाँ पर लगभग 47 पदार्थ कुछ ऐसे हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनको बैन कर दिया गया है रोटरडेम कन्वेंशन के अंतर्गत। ठीक है, इस प्रकार से दोनों भी समझ आ गया होगा दोस्तों आपको, इस प्रकार से ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तीन और बचे हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे ये है वेटलैंड इंटरनेशनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेटलैंड इंटरनेशनल। वेटलैंड क्या होते हैं, आर्द्र भूमि, मैं समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, आर्द्र भूमि क्या होती है, ऐसी भूमि जो क्या होती है थोड़ी नमी वाली भूमि होती है ना, कीचड़ वाली भूमि होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, आर्द्र भूमि होती है। इसके बारे में पूरा लेक्चर दे चुका हूँ, वहाँ जाकर देखने को दिक्कत हो तो वेटलैंड से संबंधित जो है आर्द्र भूमियों से यानी कि नम भूमियों से संबंधित जो कन्वेंशन है ये 1991 में साइन हुआ था और नीदरलैंड में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड में है, और वही आर्द्र भूमियों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए समर्पित क्या है, गैर सरकारी और गैर लाभकारी, ये गैर सरकारी है ना, सरकार का भी नहीं है और गैर लाभकारी, किसी लाभ के लिए काम नहीं करता है, गैर लाभकारी और गैर सरकारी संस्था है, और ये रामसर संधि से संबंधित संगठन है। यानी कि रामसर संधि मैंने आपको बता चुका हूँ, पूरा लेक्चर बता चुका हूँ, अभी तक नहीं देखा जरूर देख लें, कि हमारे जो यहाँ पर जो रामसर स्थल है या विश्व स्तर पर जितने भी रामसर स्थल है उससे संबंधित संगठन कौन सा है, वेटलैंड इंटरनेशनल है। यानी कि वेटलैंड इंटरनेशनल क्या करता है, रामसर संधि के अंतर्गत भी काम करता है। समझा आपको, ये आपको समझ आ गया होगा। देखो आपको महत्वपूर्ण बातें क्या समझ में आया, जैसे ये वेटलैंड इंटरनेशनल किससे संबंधित आपको समझ आ जाए, ये आर्द्र भूमियों से संबंधित है। रोटरडेम कन्वेंशन किससे संबंधित है, दिमाग में आना चाहिए, जो खतरनाक रसायन होते हैं जो मानव पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनसे संबंधित है। बेसल कन्वेंशन किससे संबंधित, दिमाग में आना चाहिए कि जो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ है जिनका एक देश से दूसरे देश पर स्थानांतरण होता है तो उनसे नियंत्रण और उनके निपटारे से संबंधित है बेसल कन्वेंशन, ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, दोस्तों जिसे नाम से स्पष्ट है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, यानी कि बर्ड यानी कि किससे, पक्षियों से संबंधित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कैम्ब्रिज यूके में है। ठीक है, कैम्ब्रिज यूके में, और ये क्या करता है, पक्षी एवं उनके आवासों का संरक्षण करता है। सिंपल सा है, नाम से स्पष्ट, पक्षी एवं उनके आवासों का संरक्षण करता है। और भारत में जो है BNHS यानी कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है इसकी सहायक संस्था है। यानी कि भारत में जो है आप बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की सहायक संस्था कौन सी है, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसके बारे में लेक्चर कल ही आपको दे चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला है लास्ट ग्रीन पिक्स। देखो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल समझ में आ गया, बर्ड लाइफ यानी बर्ड यानी कि पक्षियों से संबंधित है, और ये क्या करता है आप देखिए पक्षियों के आवासों का संरक्षण और पक्षियों का संरक्षण संबंधी काम करता है। लास्ट है ग्रीन पिक्स, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन फिर भी लिख दिया मैंने। ग्रीन पिक्स जो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, और इसका जो मुख्यालय वो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। और ये क्या है आप देखेंगे, एक वैश्विक अभियानकारी संस्था है, स्वैच्छिक वैश्विक अभियानकारी संस्था है, और ये पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन देती है। यानी कि पर्यावरण का संरक्षण भी हो और विकास भी हम कर पाए, यानी कहीं कहीं सतत विकास। सतत विकास क्या होता है, मैं बार बार समझा चुका हूँ, ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास किया जाए वो सतत विकास होता है। ठीक है, और ऐसा विकास जो अभी वर्तमान पीढ़ी को तो ध्यान में रखे लेकिन आने वाली भविष्य पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर किया जाए वो एक प्रकार का सतत विकास है। तो उस विकास को ध्यान रखने वाली संस्था कौन है, ग्रीन पिक्स है, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी और ये नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ये दोस्तों आपने महत्वपूर्ण बातें आपको सभी समझ में आ गई होगी। अब इसका मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूँ, पूर्ण निवेदन कर रहा हूँ, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी तो क्या आपको दिमाग में से ये सब बातें समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जैसे मैं आपका क्विक रिवीजन करूँगा आपको सभी बातें समझ में आ जाएगी। और अगर समझ में आ जाए तो लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है दोस्तों, आप जरूर लिखना क्योंकि ये चीज़ें बनाने में बहुत समय लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, और हाँ लाइक जरूर कर दे वीडियो को। ठीक है तो दोस्तों बढ़ते हैं, अब मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ, महत्वपूर्ण बातें क्या है। जैसे मैं बोल दूँ ग्रीन पीस किससे संबंधित है, सिंपल सा है कि एक इसकी स्थापना 1971 में हुई और नीदरलैंड में मुख्यालय है, और ये क्या करता है सतत विकास को प्रोत्साहन देता है। समझा रहा आपको, इनकी पर्यावरण एवं विकास को प्रोत्साहन देने वाला काम कौन करता है, ग्रीन पीस। इनके इनकी सतत विकास से संबंधित है वो ग्रीन पीस है। समझा रहा है, सतत विकास यानी कि पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास करना, ये काम करता है ग्रीन पीस। ठीक है, इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, जो कि क्या है आप देखेंगे पर्यावरण जो संबंधित है विकास को प्रोत्साहन देता है, पर्यावरण संगठन है ना एवं विकास को प्रोत्साहन देता है। तो ग्रीन पीस समझ में आ गया। इस प्रकार से वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल सिंपल सा है दोस्तों, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है, सिंपल सा है, पक्षी एवं उनके आवासों का संरक्षण करता है। नाम से स्पष्ट है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, बर्ड का क्या होता है, बर्ड है ना पक्षी, तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल यानी कि ऐसा संगठन जो पक्षियों के संरक्षण के लिए, पक्षियों के आवास के संरक्षण के लिए काम करता है। ग्रीन पीस जो कि सतत विकास के लिए काम करता है, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हम विकास भी कर पाए। और वेटलैंड इंटरनेशनल जो कि आर्द्र भूमियों के लिए काम करता है ना, रामसर स्थल जो घोषित होते हैं उसमें कहेंगे ये सहयोगी भूमिका निभाता है। ठीक है,
रोटरडैम कन्वेंशन, इनकी सिंपल से होता है रस है रसायन, इनकी जो खतरनाक रसायन है वो कहीं के अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना, जीव जंतु को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको बैन करने संबंधी इसमें 47 जो है रसायन बैन कर दिए गए हैं रोटरडैम। फिर बेसल कन्वेंशन मैंने आपको बताया, जो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण करते हैं, अगर वो कहीं के खतरा है तो उनको भी क्या करता है, उन पर निगरानी रखना, है ना, उन पर क्या करना, नियंत्रण करने का काम कौन सा करता है, आपका बेसल कन्वेंशन करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ट्रैफिक और साइट्स दोनों एक दूसरे से संबंधित है, मैंने आपको बताया था दोनों एक दूसरे के सहयोगी भी हैं। ट्रैफिक भी क्या करता है, ट्रैफिक भी सिंपल सा है दोस्तों, ये क्या करता है, ये एक प्रकार से साइट्स का सहयोग भी करता है और सिंपल सा है, ये भी करता क्या है, आप देखेंगे वन्य जीव व्यापार निगरानी तंत्र बन गया है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, वन्य जीव व्यापार निगरानी तंत्र बन गया है, यानी कि जो विश्व में जितने भी आप देखेंगे जीव जंतु है उनका एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है तो व्यापार पर निगरानी रखता है, ये देखता है कि ऐसा तो नहीं है कि इसके व्यापार करने से इसको इस जीव को हानि हो रही है। आप सोचो, माना कि एक जीव है, माना कि एक बाघ है, अगर बाघ का एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है तो व्यापार करने पर ऐसा तो नहीं उसका शिकार हो रहा है, या अगर व्यापार करने पर वो नष्ट हो रहे हैं या विलुप्त हो रहे हैं, ये सब देखने काम करता है ट्रैफिक, और ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन गया है और साइड से भी इसी प्रकार का काम करता है, और साइड से क्या करता है, यहाँ पर इसकी एक शेड्यूल भी देता है फर्स्ट सेकंड थर्ड के, इसमें भी अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। ट्रैफिक का मुख्यालय कैम्ब्रिज यूके में, और साइड से मैंने बताया क्योंकि ये सबसे पहले वॉशिंगटन में हुआ था, इसलिए वॉशिंगटन कन्वेंशन में बोलते हैं, और सबसे पहले 1973 में यही हुई थी, और 1975 से लागू हुआ, और ये 1976 में, ठीक है, दोनों एक दूसरे से संबंधित याद रखना। फिर WWF मैंने आपको बताया सिंपल सा, ये अंतर्राष्ट्रीय NGO है और इसका एक स्लोगन याद रखना, 4 है लिविंग प्लेनेट, ठीक है, और ये पर्यावरण संरक्षण शोध के लिए विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, अपने भारत पर WWF इंडिया काम करता है, ठीक है, इसका मुख्यालय वो ग्लान स्विट्जरलैंड में, और IUCN इसका मुख्यालय भी ग्लान स्विट्जरलैंड में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट IUCN के बारे में कुछ बात याद रखो ना रखो, एक बात ध्यान रखना कि ये रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है, IUCN के बारे में एक कुछ बातें याद रखो ना रखो, लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि ये रेड डाटा बुक जारी करता है ना, और विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पर्यावरण नेटवर्क ये है, और इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों सदस्य होते हैं, और ध्यान रखना ये UN का अंग नहीं है, और लास्ट में आपका UNEP जो कि 1972 में स्थापना हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है दोस्तों, और ध्यान रखना ये UN की एक विशेष एजेंसी, क्योंकि नाम से ये UNEP यानी कि UN की एक विशेष एजेंसी है, और जो IPCC बना है वो UNEP और WMO दोनों से मिलकर बना है, और जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है ये UNEP देता है, और 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों वो कहीं कहीं UNEP की ही पहल है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस प्रकार से याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। आपको एक बार और बता दूं मैं सिंपल सा एक बात, जैसे इन दोनों को साथ में याद कर लेना है ना, इन दोनों को साथ में याद कर लेना, इन दोनों को वेटलैंड इंटरनेशनल और बर्ड लाइफ यानी कि पक्षियों से संबंधित, वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमि से संबंधित, रोटरडैम यानी कि रसायनों से संबंधित, बेसल कन्वेंशन जो कि अपशिष्ट पदार्थ से संबंधित, इस प्रकार से अलग अलग करके याद रखना। ये ग्रीन पीस तो सिंपल सा सतत विकास से संबंधित है, ये दोनों साइट्स और ट्रैफिक दोनों मैंने बता दिया, कहीं कहीं वन्य जीवों का जो व्यापार होता है उस पर निगरानी करने के लिए बने हुए हैं दोनों एक प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से WWF मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या है, पर्यावरण के संरक्षण और शोध के लिए बना हुआ संगठन है। इस प्रकार से IUCN तो याद रखना विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा पर्यावरण नेटवर्क है, और रेड डाटा बुक यही प्रकाशित करता है, इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों सदस्य होते हैं, और IUCN UN का अंग नहीं है, और फिर वही बात UNEP जो कि 1972 में बना है, और मुख्यालय नैरोबी केन्या में, और ये UN की एक विशेष एजेंसी है, और ग्लोबल 500 पुरस्कार देता है, और विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो कहीं कहीं इसी की पहल है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने अभी इसी वीडियो में 3 बार आपका रिवीजन करवा दिया है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें आप, ठीक है, और अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।